हेलो दोस्तों, आपका SSVish क्लासेस में स्वागत है। आज हम डे एंड डेट पार्ट 5 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने डे एंड डे की अपनी सीरीज़ पार्ट 4 तक कंप्लीट कर ली है, ठीक है। आज हम पांचवा पार्ट पढ़ेंगे, तो हम अपनी सीरीज़ को चालू करते हैं। हम पहले पहले वाला रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पढ़ा था डे एंड डेट में, उसका बेसिक। तो हम पहले बेसिक रिवीजन करते हैं, फिर हम इसके लेक्चर में आइएगा। क्या होता है हमारा, पहले वन को क्या बोलते हैं, वन को बोलते हैं टी और डी। टू को क्या बोलते हैं, टू को बोलते हैं एन। थ्री को क्या बोलते हैं, थ्री को बोलते हैं एम। फोर को क्या बोलते हैं, चार यार। फाइव को क्या बोलते हैं, फाइव को बोलते हैं हम एल। सिक्स को क्या बोलते हैं, सिक्स को बोलते हैं हम जी जे सी एच एस एच। सेवन को क्या बोलते हैं, सेवन को बोलते हैं हम या तो बोलते थे हम के या बोलते थे सी। एट को क्या बोलते हैं, एट को बोलते हैं हम वी या एफ। नाइन को क्या बोलते हैं, नाइन को या तो बी बोलते हैं या पी बोलते हैं। टेन को क्या बोलते हैं, एस या जेड। तो अब हम अपनी सीरीज चालू करते हैं। नंबर वन है हमारा वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, वर्ल्ड पोइट्री डे, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। ये हमारे तीन है, ठीक है। हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या इसे हिंदी में बोलते हैं। विश्व जंगल दिवस, विश्व कविता दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। तो हम इसकी ट्रिक एक बार देख लेते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, अंतिम है। क्या ट्रिक है, अंतिम, ए एन टी आई एम। आप ये तीनों एक ही ट्रिक में देख लेना। कैसे, हमने बोला क्या बोला हमने, पहले हमने बोला कविता है, ठीक है। तो हमने बोला कविता, किसी लड़के नाम बोल लीजिए कविता, जंगल में डाउन हो गई। मतलब कविता जंगल में गई, पहले वो अच्छी जगह रहती थी, उसका अच्छा पोर्स इलाके में घर था, तो वहाँ पे वो खुशी से रहती थी। लेकिन जैसे ही कविता जंगल में गई, कविता जंगल में गई, तो वो क्या हो गई, कविता जंगल में डाउन हो गई। क्या हो गई, कविता जंगल में डाउन हो गई, इसलिए उसका अंतिम दिन है। क्या दिन है उसका, अंतिम दिन है। फिर उसके बाद में वो कल कहाँ चली जाएगी, अपने इलाके में चली जाएगी, अपने घर में चली जाएगी। लेकिन कविता जंगल में डाउन हो गई, इसलिए उसका अंतिम दिन है। हमने बोला अंतिम की हमारी होगी ट्रिक, हमने क्या बोला, अंतिम की हमारी ट्रिक होगी। अब हम इसे कैसे कैसे काटेंगे, ए कटा हमारा, आई कटा, एन का मतलब क्या होता है दो, टी का एक और एम का तीन। तो क्या हो गया हमारा 21 मार्च। हमने क्या बोला, कविता जंगल में डाउन होगी, कविता जंगल में डाउन हो गई, ठीक है। 32 देखते हैं, 32 क्या है हमारा, वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस, ठीक है। इसकी बड़ी अच्छी ट्रिक है, इसकी ट्रिक क्या है हमारी, नानी माँ, क्या है, नानी माँ, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम, सॉल्यूशन क्या है, जल दे दो, हमने बोला ना जल, हमने बोला जल दे दो नानी माँ, ठीक है। हम अपनी नानी के वहां गए हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं, जल दे दो नानी माँ। अब इसकी ट्रिक देखते हैं, हमारा ए कटा, आई कटा, ए ए कटा, एन का मतलब क्या होता है, दो होता है, एन का मतलब फिर से क्या होता है, दो होता है, एम का मतलब तीन। तो क्या हो गया, 22 मार्च हो गया, क्या हो गया, 22 मार्च। और ये पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इसे जरा ध्यान देना। वाटर डे क्या है, वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस, ये पेपर में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसे जरा ध्यान देना। क्या है ना, नानी माँ। उससे अगली हमारी क्या है, वर्ल्ड अर्थ डे, क्या है हमारी, वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस, और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो दोनों याद रखना, ठीक है। कैसे याद रखनी है, अगर आपको वर्ल्ड वाटर डे याद हो गया, अगर आपको वर्ल्ड वाटर डे याद हो गया, तो वर्ल्ड अर्थ डे तो अपने आप याद रहना है। क्यों, क्योंकि अगर इसकी 22 मार्च है, क्या है, 22 मार्च है, तो उससे अगले महीने सेम डे में, उससे अगले महीने सेम डे में 22 अप्रैल में हमारा वर्ल्ड अर्थ डे होगा, विश्व पृथ्वी दिवस। आपको क्या पढ़ा था इसमें, हमने नानी में पढ़ी थी, तो 22 मार्च हमारे यहाँ से आ जाएगा। पहले जल आता है या पहले पृथ्वी आती है, हमने बोला पहले जल आता है, पहले हमें जल की जरूरत होती है, बाद में हमें जमीन मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम कहीं भी रह लेंगे, ठीक है। तो पहले जल आता है, तो हम बोलेंगे पहले जल है, तो नानी में आ गया, उसके बाद में क्या आएगा हमारा, पृथ्वी। तो उसी अगले महीने, उसके अगले महीने उसी डे में हमारा क्या होगा, वर्ल्ड अर्थ डे होगा। तो हमारा 22 तो आ गया, क्योंकि हमारे यहाँ भी था, यहाँ मार्च था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अप्रैल। हमने सॉल्यूशन में कुछ नहीं लिखा, क्या लिखा, विश्व जल दिवस से अगला महीना सेम तारीख को हमारा क्या होता है, वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस। तो आप ये दोनों यहां से क्या देखेंगे, पहले देखा हमने वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व जल दिवस हमारा क्या था, नानी माँ थी, उससे 22 मार्च आ गया। और अगर कोई बोले अर्थ डे, तो नानी माँ बोलती है 22 मार्च बोल के, उससे अगले वाला महीना जो होगा, उससे अगले वाला जो महीना होगा वो क्या होगा हमारा, वर्ल्ड अर्थ डे, ठीक है। अब हम देखते हैं 34 क्या है हमारा, वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल डे, विश्व मौसम दिवस, ठीक है। इसकी क्या ट्रिक है, इसकी ट्रिक है हमारी नो मैम, क्या ट्रिक है इसकी, नो मैम, ठीक है। हमने क्या बोला, मौसम नो मैम बोलते ही खराब हो जाता है। मान लीजिए आपकी कोई मैम है, ठीक है, और आप उसे बाहर डेट पे ले आने जा रहे हो या घुमाने ले आना चाह रहे हो, ठीक है, और आपने बोला कि भाई, पूछा उनसे कि मैम बाहर कॉफी पे चलोगे, तो वो क्या बोलेंगी, नो,
ठीक है, अगर जैसे ही मैडम ने नो बोल दिया तो मौसम क्या हो गया, नो मैम बोलते ही क्या हो गया, खराब हो गया। तो आपका मौसम खराब हो गया, आप बाहर घूमने जाना चाह रहे थे, कॉफी पे जाना चाह रहे थे और मैडम ने क्या बोल दिया, नो बोल दिया। तो आप कैसे रखोगे, मौसम से, क्या बोलोगे, मौसम से, मौसम नो मैम बोलते ही खराब हो गया। तो हमारी ट्रिक क्या बनी, नो मैम, हमारे क्या क्या कटेगा इसमें से, ओ कटा है, ए कटा है, एन का मतलब दो, एम का मतलब तीन, एम का मतलब तीन, तो हमारा क्या हो गया 23 मार्च। अगला क्या है, ये सबको पता होना चाहिए, वैसे नहीं भी पता है तो मैं याद कराऊंगा, लेकिन पता सबको होना चाहिए, ये मार्टियर डे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी का शहीद दिवस, ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है, नाम में क्या लिखा है हमने, नाम में NAMEMEY, ठीक है, इनकी क्या ट्रिक है, इनकी ट्रिक है इनके नाम में नहीं काम में रखा है। जैसे कई लोग अपना नाम भगत सिंह रख देते हैं, ठीक है, या फिर राजगुरु रख देते हैं या सुखदेव रख लेते हैं, ठीक है, केवल नाम रखने से कुछ नहीं होगा, उनके जैसा काम भी करना पड़ेगा हमें, उनकी जैसी देशभक्ति भी लानी पड़ेगी हमें अपने अंदर। तो क्या लिखना है आपको, इसकी ट्रिक इसी से बनी है, क्या, इनके नाम में नहीं, इनके नाम में नहीं काम में रखा है, जो इन्होंने काम करके गए उनमें रखा था बहुत चीजें, उससे हमें बहुत चीजें सीखनी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या ट्रिक लिखी है, नाम में क्या क्या कटा है इसमें से, ए कटा है, ई कटा है, ई कटा है, वाई कटा है, एन का मतलब दो, एम का मतलब तीन, एम का मतलब तीन, तो क्या हो गया 23 मार्च हो गया, क्या हो गया 23 मार्च। बिल्कुल यही ट्रिक हमारी राम मनोहर लोहिया बर्थडे पे लग रही है अगले में, ठीक है, क्या है इसका, इसमें भी ये लिखा है ट्रिक, क्या है इसकी, नाम में, क्या ट्रिक है इसकी भी, नाम में, और इनकी भी ये ट्रिक है, इनके नाम में नहीं काम में रखा था, राम मनोहर लोहिया जी के नाम में नहीं काम में रखा था, जो उन्होंने हमारे देश के लिए काम करा है उनमें रखा है। अपना नाम राम मनोहर लोहिया रखने से कोई राम मनोहर लोहिया जैसा नहीं हो जाएगा, उनके जैसा हमें काम करना पड़ेगा। तो हमने क्या बोला, इनके नाम में नहीं काम में रखा है, तो इनकी भी ट्रिक वही होगी, हमारा ए कटा, ई कटा, ई कटा, वाई कटा, एन का मतलब दो, एम का मतलब तीन, एम का मतलब तीन, तो 23 मार्च। अगला क्या है हमारा, अगला हमारा वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, ठीक है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, रूरल लाइफ पोस्टल इंश्योरेंस डे, इसकी क्या है हिंदी में देख लेते हैं, विश्व कैंसर दिवस, ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस, ये दोनों एक ही में आ रहे हैं इसलिए मैंने दोनों की एक लिख लिया, क्या लिख लिया हमने, इसकी ट्रिक क्या है इसकी है, निर्मा, क्या है, निर्मा, ठीक है, तो हमने ये पहले ही बता रखा है, जो हम डे एंड डेट की ये सीरीज चला रहे हैं इसमें वास्तविक घटना से तो कोई संबंध ही नहीं है हमारा, ठीक है, हम बस याद करने के लिए चीजें सीख रहे हैं, तो उनमें से एक चीज ये भी है, क्या कि हमने क्या बोला, हमने बोला कि हमने क्या बोला, हमने बोला टीवी ठीक करने के लिए निर्मा खाते हैं, अगर मान लीजिए किसी को टीवी हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, टीवी को ठीक करने के लिए हम क्या खाते हैं, निर्मा खाते हैं, निर्मा पेट में जाएगी तो टीवी ठीक हो जाएगी, ठीक है, एक तो हमारी ये हो गई, हमने पहले ही बोला है कि वास्तविक घटना से इसका कोई संबंध नहीं, हम केवल ये याद करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। अगला क्या है हमारा, ग्रामीण लोग निर्मा देकर जीवन बीमा कराते हैं, ग्रामीण लोग क्या होते हैं, निर्मा देख रहे हैं, पहले क्या होता था, पहले ग्रामीणों के पास ज्यादा पैसा नहीं होता था तो निर्मा बहुत कोस्टली होता था, तो क्या करते थे, वो अपने घर से निर्मा लाते थे और जीवन बीमा वाले को दे देते थे, ठीक है, तो उनका जीवन बीमा हो जाता था, तो क्या बोला हमने, ग्रामीण लोग निर्मा देकर जीवन बीमा कराते हैं, हमारी दोनों ट्रिक यहीं से तैयार है, क्या है, टीवी ठीक करने के लिए निर्मा खाते हैं, जो टीवी हो जाती है किसी को ठीक करने के लिए क्या खाता है, निर्मा खाता है, दूसरा क्या है, ग्रामीण लोग निर्मा देकर जीवन बीमा कराते हैं। अब एक बार हम देख लेते हैं इसकी ट्रिक, आई कटा है हमारा और ए कटा है, एन का मतलब क्या होगा दो, आर का मतलब क्या होगा चार, एम का मतलब तीन, तो क्या होगा हमारा 24 मार्च आ गया, क्या आ गया हमारा 24 मार्च। अगला हम देख लेते हैं इंडिपेंडेंस डे ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस, इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है हमारी अंजाम, क्या ट्रिक है इसकी हमारी अंजाम, ठीक है, हमने क्या बोला, बांग्लादेश से अगर किसी ने कुछ कहा, हमने क्या बोला, बांग्लादेश से अगर किसी ने कुछ कहा तो अंजाम क्या होगा, अंजाम बुरा होगा, क्या होगा अंजाम बुरा, क्योंकि बांग्लादेश हमारा दोस्त है, ठीक है, तो हमने बोला बांग्लादेश से अगर किसी ने कुछ कहा तो अंजाम क्या होगा, बुरा होगा, तो हमने क्या इसकी एक बार ट्रिक देख लेते हैं, एक बार हम क्या देख लेते हैं इसकी ट्रिक देख लेते हैं, हमारे क्या कटा है, ए कटा है, ए कटा है, एन का मतलब क्या होता है दो होता है, जे का मतलब छह और एम का मतलब तीन, तो क्या आ गया हमारा 26 मार्च, क्या आ गया 26 मार्च। अब हम अगला देख लेते हैं, अगला हमारा गणेश शंकर विद्यार्थी सेक्रीफाइस डे, गणेश शंकर विद्यार्थी सेक्रीफाइस डे, हिंदी में देख लेते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी बलिदान दिवस, इसकी क्या ट्रिक है हमारी, इसकी है नीलामी, क्या है ट्रिक इसकी, नीलामी, इसको हम क्या याद करेंगे, इसको याद करेंगे हम विद्यार्थी से, आपको पता है अब भी कई लोग बड़े लालची हैं, ठीक है, वो क्या समझते हैं, अगर विद्यार्थी को ज्यादा पढ़ाने के बाद नीलामी लगाते हैं, क्या करते हैं वो, विद्यार्थी को, जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें ज्यादा पढ़ाने के बाद क्या लगाते हैं, उनकी नीलामी लगाते हैं, तो इससे हम ऐसे याद रखेंगे विद्यार्थी से, किससे याद रखेंगे, विद्यार्थी को ज्यादा पढ़ाने के बाद नीलामी लगाते हैं, तो हमारा नीलामी में क्या क्या कटेगा, हमने बोला आई कटा है,
आई कटा है, ए कटा है, एन का मतलब दो हो गया, एल का मतलब क्या हो गया पांच हो गया, एम का मतलब क्या हो गया तीन, तो क्या आ गया हमारा 25 मार्च, 25 मार्च क्या आ गया 25 मार्च। अगला हमारा क्या है, वर्ल्ड थिएटर डे, वर्ल्ड थिएटर डे, विश्व थिएटर दिवस। इसकी क्या ट्रिक है, इसकी ट्रिक है हमारी इनकम, आई एन सी ओ एम ई, क्या ट्रिक है इसकी इनकम है। तो हमने क्या बोला, थिएटर में काम करने वालों की इनकम क्या होती है, अच्छी होती है। आप सभी को पता है जो थिएटर में काम करते हैं उनकी इनकम क्या होती है, अच्छी होती है। तो हमने इसे ट्रिक इनकम से याद करा। आई कटा है हमारा, ओ कटा है हमारा, ई कटा है हमारा, एन का मतलब क्या होता है दो, सी का मतलब क्या होता है हमारा सात, एम का मतलब क्या होता है तीन, तो क्या आ गया हमारा 27 मार्च। एक बार जो हमने ये सारी ट्रिकें याद करी हैं या जो सारे ये क्वेश्चन विजुअलाइज करे हैं जो 31 से लेकर 40 तक, एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें दिमाग में ये चीजें बैठ जाएं। हम रिवीजन करते हैं। वर्ल्ड थिएटर डे, हमने बोला वर्ल्ड थिएटर डे, विश्व थिएटर दिवस, थिएटर में काम करने वालों की क्या होती है इनकम, अच्छी होती है। क्या कटेगा, आई कटा है हमारा, ओ कटा है हमारा, और क्या कटा है हमारा ई कटा है, एन का मतलब क्या होता है दो, सी का मतलब क्या होता है सात, एम का मतलब क्या होता है हमारा तीन, 27 मार्च। अगला हम देखते हैं हमारा क्या है, गणेश शंकर विद्यार्थी बलिदान दिवस, गणेश शंकर विद्यार्थी सैक्रिफाइस डे। हमने बोला गणेश शंकर विद्यार्थी सैक्रिफाइस डे, हमने किससे याद करा था विद्यार्थी से, विद्यार्थी क्या लगाते हैं लोग नीलामी लगाते हैं, तो हमारे क्या कटेगा आई, आई कटेगा, ए कटेगा, एन का मतलब क्या हुआ दो, एल का मतलब क्या हुआ पांच, एम का मतलब क्या हुआ 25 तीन। अगला क्या हमारा, रूरल लाइफ पोस्टल इंश्योरेंस डे, ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस। तो हमने बोला था ग्रामीण लोग डाक जीवन बीमा कैसे करवाते हैं, वो करवाते हैं क्या निर्माल देकर, क्या देकर निर्मा देकर। तो हमारे क्या कटा, आई कटा, ए कटा, एन का मतलब दो होता, आर का मतलब क्या होता है चार होता है, एम का मतलब तीन, तो 24 मार्च। अगला क्या है हमारा, विश्व टीबी दिवस, इसकी हमने क्या पढ़ी थी, टीबी कैसे ठीक होती है हमारी निर्मा खाने से होती है, क्या होती है निर्मा खाने से, तो आई कटा है, ए कटा है, एन का मतलब क्या होता है दो होता है, आर का मतलब होता है चार, एम का मतलब तीन, तो ये भी 24 मार्च होगी। अगला क्या है, राम मनोहर लोहिया दिवस, ठीक है, राम मनोहर लोहिया बर्थडे, इसकी हमने क्या ट्रिक पढ़ी थी, इसकी ट्रिक पढ़ी थी हमने इनके नाम में कुछ नहीं रखा, इनके काम में रखा है, जैसे इन्होंने काम करा है, ठीक है, तो इनके नाम में कुछ नहीं रखा, इनके काम में रखा है, तो हमने क्या रखा, ए ई वाई, एन का मतलब क्या होता है दो, एम का तीन, एम का तीन, तो क्या आ गया इसका 23 मार्च। अगली क्या है हमारी, मार्टियर डे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी का शहीद दिवस, इसमें भी यही बड़ा था हमने इनके नाम में नहीं इनके काम में रखा था, ठीक है, तो नाम में क्या कटा हमारा, ए कटा, ई कटा, ई कटा, वाई कटा, एन का मतलब क्या होता है दो होता है, एम का मतलब क्या होता है तीन होता है, एम का मतलब क्या होता है तीन, तो क्या हुआ 23 मार्च। इनकी भी ट्रिक सेम है। अगला क्या हमारा, वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल डे, विश्व मौसम दिवस, क्या होता है मौसम कब बिगड़ जाता है, जब मैडम क्या बोलती है नो मैम, क्या बोलते हैं नो मैम, तो क्या हुआ इसका, ओ कटा, ए कटा, एन का मतलब क्या हुआ दो हुआ, एम का मतलब क्या हुआ तीन, और एम का मतलब तीन, तो क्या हो गया इसकी भी 23 मार्च। अगला क्या हमारा, वर्ल्ड अर्थ डे, इससे पहले हम वर्ल्ड वाटर डे पढ़ते हैं क्योंकि हमने वर्ल्ड वाटर डे के बाद में ही वर्ल्ड अर्थ डे पढ़ा था, ठीक है। वाटर क्या होता है, हम क्या बोलते हैं जल दे दो, विश्व जल दिवस, जल दे दो, क्या दे दो जल दे दो, कौन दे दो नानी माँ, क्या देते हैं हम जल दे दो नानी माँ। हमारा ए कटा है, ए कटा है, आई कटा है, एन का मतलब दो, एन का मतलब दो, और एम का मतलब तीन, तो हमारा क्या हो गया 22 मार्च, क्या हो गया हमारा 22 मार्च। अगला हम देख लेते हैं, अगला क्या है हमारा, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, वर्ल्ड पोएट्री डे, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, विश्व जंगल दिवस, विश्व कविता दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम डे। हमने इन सबकी एक ही ट्रिक पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी हमारे अंतिम, क्या पढ़ी थी इनकी ट्रिक अंतिम, ठीक है, क्या बोला था हमने, कविता का जंगल में डाउन होगी इसलिए उसका अंतिम दिन है, ठीक है। क्या कटा इसमें से, ए आई, एन का दो, टी का एक, एम का तीन, तो क्या आ गया 21 मार्च, ठीक है। अगला देखते हैं हम, बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस, इंडिपेंडेंस डे ऑफ बंगला, इसकी क्या ट्रिक पड़ी थी हमने, अगर बांग्लादेश को कुछ किसी ने कुछ कहा तो क्या होगा उसका अंजाम बुरा होगा, तो ए ए कटा हमारा, एन का मतलब क्या होता है दो होता है, जे का मतलब क्या होता है छह होता है, एम का मतलब क्या होता है तीन, तो 26 मार्च। हमारी सेवा यहीं समाप्त हुई। नेक्स्ट लेक्चर में हम 41 से लेके 50 तक हम अपनी डे एंड डे ट्रिक के सीरीज को चालू रखेंगे, तो हमारे साथ SSBS क्लासेस में जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।